हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सबिकास किचन। मैं हूँ सबिका और आज हम बनाने जा रहे हैं गुड़ और मूंगफली की चिक्की, जो कि ठंड में बहुत ही खाई जाती है और बहुत ही टेस्टी लगती है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है एक कटोरी गुड़ और इसको मैंने बारीक किस तरह से क्रश कर लिया है, और एक कटोरी भुनी हुई मूंगफली के दाने। इसको मैंने ऐसी मूंगफली ली थी मार्केट में जो मिलती है, और इसको मैंने यहाँ पर छिलके अलग कर लिए हैं और यहाँ पर मैंने इसके दाने निकाल लिए हैं। और मूंगफली के दानों को हमें दो पीसेस इस तरह से इसको कर लेने हैं अलग अलग। और यहाँ पर इसी के साथ मैंने यहाँ पर लिया है एक चम्मच वेजिटेबल घी और दो पिंच बेकिंग सोडा। और चिक्की को सेट करने के लिए मैंने यहाँ पर एक प्लेट ली है, और प्लेट में हम इस तरह से घी को से ग्रीस कर लेंगे। इस प्लेट को अच्छे से इसको ग्रीस करना है। इसके बाद अब हम लेंगे एक कढ़ाई और फ्लेम को अपना ऑन करेंगे और इसमें गुड़ डाल देंगे, और अपनी फ्लेम को स्लो ही रखना है और इस गुड़ को हम मेल्ट करेंगे। हमारा गुड़ मेल्ट होना शुरू हो गया है। कॉन्टिन्यूसली लगातार इसको चलाते रहना है ताकि हमारा गुड़ नीचे से जले ना। तो देखिए अच्छे से पकने लगा है अभी हमारा गुड़। अब इसमें अपना घी ऐड कर देंगे। तो देखिए बहुत अच्छे से पकने लगा है और ये कढ़ाई भी छोड़ने लगा है। अब हम इसको चेक करेंगे कि अभी हमारी क्रंची इससे बनेगी या नहीं बनेगी। तो हम यहाँ पर एक कटोरी में पानी लेंगे और इसका एक ड्रॉप उस कटोरी में इस तरह से डालेंगे। थोड़ा ठंडा होने के बाद इसको देखेंगे कि हमारी ये जो हमने डाली थी अभी ये बिल्कुल ऐसे चिपक रही है, कोई इसमें अभी क्रंचीनेस नहीं है। तो अभी हमें थोड़ा और पकाना है अभी इसको। अब हम इसको फिर से चेक करते हैं कि हमारी चिक्की सेट होने के लिए रेडी है या नहीं। तो देखिए अब ये बिल्कुल टॉफी की तरह टूट रही है, तो इसका मतलब हमारी बिल्कुल ये रेडी है गुड़। अब हम अपनी फ्लेम को ऑफ कर देंगे और यहां पर अपने जो यहां पर ये सोडा लिया था बेकिंग सोडा वो इसमें ऐड कर देंगे और इसको इसे चलाएंगे थोड़ा सा और अपनी इसमें मूंगफली भी ऐड कर देंगे। अब हम इसको सेट कर लेते हैं। जो हमने ग्रीस की थी प्लेट उसमें हम इसको निकाल लेंगे और जल्दी से इसको अपना शेप दे देंगे। इस तरह से अब हम एक प्लेट की मदद से इसको पूरा सेट कर लेंगे। जब ये थोड़ी सेट हो जाए तो हम इसको इस तरह से थोड़ा काट लेंगे इसको पीसेस करने के लिए, क्योंकि बाद में तो ये होंगे नहीं ऐसे अच्छे से सेट। तो 15-20 मिनट बाद जब हमारी चिक्की सेट हो जाएगी तो मैं उसको एक प्लेट में निकाल लेना है उसके पीसेस के साथ। मैंने यहां पर इस तरह से निकाल लिया है इसके पीसेस बनाकर यहां पर। तो देखिए हमारी चिक्की कितनी अच्छी बनी है, क्रंचीनेस देखने के लिए आप देखिए कितने अच्छे से टूट रही है ये, और ये बिल्कुल दांत में भी नहीं चिपकेगी। आप इसको जरूर ट्राई कीजिए अपने घर में। ठंड के मौसम में ये बहुत ही अच्छी लगती है खाने में, रात को बैठकर खाने में बहुत मजा आता है इसको। तो प्लीज अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।